World Islamic Network has lecture of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zeeshan Haider Jawadi from UAE, Professor Feroz Haider from India, Sayyed Zaki Bakri from Canada, Ahmad Ali Abdi from India, Ehsan Haider Jawadi from India, Brother Hasnain Rajab Ali from USA, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, and Sayyed Muhammad Rizvi from Canada. World Islamic Network has published more than 60 titles on various subjects, such as Meaning of Islam, presented by Vim, Islamic Teaching by Allama Muhammad Tabatabai, Justice of God by Sayyed Akhtar Rizvi, Prophet Muhammad, peace be upon him, presented by Vim, Great Muslim Scientist by Ali Mirza, Prophecies about Holy Prophet by Sayyed Akhtar Rizvi, Let Us Understand Each Other by Abdul Hadi Saleh. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas Alaihi Salam Street, Dongri, Mumbai 400009, India. من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين شفيع النبيين وابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم صلوات على محمد وعلى آله اپنے چہروں کو دین مبین کی طرف دین حنیف کی طرف پھیرے رہو جو ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تمہاری زندگی کا ڈیزائن تمہاری حیات ڈھالی گئی ہے فطرت الہیہ کے سانچے میں جس میں کوئی تبدیلی کے امکان نہیں ہے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی یہ ایک سیدھا سیدھا دین ہے جس میں کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے سلسلہ گفتگو اس منزل تک پہنچا کہ ہمارے عقیدے کچھ ہیں اور ہماری سماجی صورت کچھ ہے ہمارا ثقافتی نظام ہمارا کلچر ہمارے رہنے سہنے کے ڈھنگ طور طریقے کچھ اور ہیں اور ہمارے عقیدہ اور عقیدے کچھ اور ہیں یہ دو رخی ہمارے ذہن میں یکسوئی پیدا نہیں کرتی عقیدہ کچھ کہتا ہے سماج کا تقاضا کچھ ہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہم پوری طرح سماج کے ہو پاتے ہیں
और न पूरी तरह हम मज़हब के हो पाते हैं। मज़हब से जो फ़ायदा होना चाहिए वो हमें नहीं हो पाता, और समाज में डूब के रहने से जो फ़ायदे हैं वो भी हमें नहीं होते। ज़ाहिर है कि अगर हम समाजी हो जाएं, पूरी तरह अपने कल्चर में रच बस जाएं, तो जो समाज फ़ायदा पहुंचाता है, जैसे दारू की दुकान खोलना, जुए की दुकान खोलना, कुछ और किस्म के अड्डे खोलना, हम नहीं खोल सकते क्योंकि हम मुसलमान हैं, तो वो घाटा हुआ। ना कुफ्र से पूरी तरह फ़ायदा होता है, ना ईमान से पूरी तरह फ़ायदा होता है। न इल्लल्लज़ी न मुल्लल्लज़ी। पहली मंजिल आती है कि हम कोई भी अकीदा रखें, कोई भी हम नज़रिया रखें, कोई भी मज़हब स्वीकार करें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। मुसलमान बनने में सबसे ज़्यादा परेशानी है दुनिया को, यूरोपियन कल्चर पीछे पड़ जाता है उन मुसलमानों के जो इस्लाम पर अमल करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह एक मजाक उड़ाया जाता है उन लोगों का कि जो मज़हब के आइन के ऊपर पूरी तरह उतरते हैं। पहली बात, इस तरह हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जब हम कोई इस्लाम की बात करते हैं तो आदमी फौरन ही डॉक्टर में मुल्ला हो गए। मिसाल के तौर पर अगर कोई दाढ़ी रख ले तो उसे मुल्ला कह के पुकारते हैं, ए मौली साहब। इसके मानिए है कि जो दाढ़ी रखता है वो मौली साहब है, जो दाढ़ी मुंडाता है वो मुसलमान है। ये फ़र्क दोनों के अंदर बीच में पैदा हुआ। तो इस तरह हमारी ज़िंदगी के अंदर दो रुख पैदा हो गए और यकसोई ख़त्म हो गई, ना हम दीन के मतलब के न दुनिया के मतलब के। यहाँ दुनिया में पिटते हैं कि ये मुसलमान हैं, और आखरत में सज़ा मिलेगी कि ये मुसलमान कब थे। तो ना वहाँ कुछ फ़ायदा हुआ और ना यहाँ कोई फ़ायदा हुआ। अब आ जाइए, अब तक हमारी बहस इसी पे रही कि आपके नमाज पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज करने से दुनिया को परेशानी नहीं है, लेकिन जब कल्चर इख्तियार कीजिएगा इस्लामी सखावत या सिफ़त अल्लाह अल्लाह के कलर में जब रंगने की कोशिश कीजिएगा तो दुनिया आपको ताना देगी। फंडामेंटलिस्ट, उग्रवादी, टेररिस्ट और मुसलमान अपने आप को ये साबित करने के लिए कि मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, वो काफिरों से आगे बढ़ जाता है। यहाँ तक हमारा सिलसिला गुफ्तगू आया था, एक चैप्टर नया, कि हम सबसे पहले गोद में अपने बच्चे को लेकर ये सिखाते हैं, बेटा कहो अल्लाह एक है, अव्वल तौहीद, दूसरे अदल, तीसरे नबूवत, इमामत, और इमामत के बाद गालिबन क़यामत ही होती होगी। ये हम अपने बच्चों को सिखा देते हैं, लेकिन उसूल को सिखाने के बाद जो उसूल के बाद ड्यूटी शुरू होती हैं, हम वहाँ लगा देते हैं फुल स्टॉप। इम्प्लीमेंट होना हमारे लिए या अप्लाई करना अपने आप को, ये हमारा काम नहीं है। बस कह दिया कि अल्लाह एक है, वो आदिल है, वो रसूल उसने भेजे, रसूलों ने इमाम पेश किए, और क़यामत आ जाएगी और हिसाब किताब होगा। ये रटने की हद तक है, लेकिन जिस वक़्त हम ये कहेंगे कि वन्ने सफल्ला दिल वली वन गॉड, तो अब इसके बाद जो ड्यूटी शुरू होती है उसके लिए हम कतन तैयार नहीं हैं। इसलिए कि आज इस ज़माने में ये साबित हो गया क्रिश्चियनिटी के सामने, हिंदुइज्म के सामने, दूसरे इज्म के सामने, कि वाकयन अल्लाह एक ही है। अब ये साबित हो गया, क्यों? साइंस की बिना मुसलमानों ने साबित नहीं किया, मुसलमानों ने तो कोई चीज़ बेचारों ने साबित ही नहीं की, लेकिन खुद ब खुद ज़माने ने करमट ली। जैसा मैंने हर्ज किया था कि हक के वजूद में इस्तेहकाम है, हक अपने ताने बाने के बिना पर बाकी रहेगा और बातिल अपने अंदाज के बिना पर उसको मर जाना ही है। तो चाहे आप दीन फैलाएं या ना फैलाएं, इसके मिजाज में फैलना है। गर्द व गुबार सूरज की रोशनी को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता, आने वाले उमटे हुए बादल किसी भी तरह चांद की ज़ोरफ़िशानियों पे हायल नहीं हो सकते। एक सिस्टम ऐसा होगा कि रोशनी सामने आ जाएगी।
बिल्कुल इसी तरह हक के वजूद के अंदर जो हक का सिस्टम है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है हक का, उसमें है बका पजीरी, बाकी रहना, सेल्फ एग्जिस्टेंस। जो हक है उसके अंदर अपने वजूद को बाकी रखने का सिस्टम है। बातिल को दुनिया की ताकत आप दिए जाइए, उसके अपने सिस्टम में मौत है। बातिल अपने कम्बिनेशन के बिना पर, अपने यूनियन के बिना पर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिना पर, बिल्ड के बिना पर बातिल को मर जाना है। उसका सिस्टम ही ऐसा है, जाल हक वज़ाहक का बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आता है, आएगा, आ गया, बातिल चला गया, जाता है, चला जाएगा। इसलिए कि बातिल को मिटना है और हक को आना है। सूरह कौसर में नशानिया का हो अलबतर, तेरा दुश्मन अबतर हो जाएगा। इसलिए नहीं कि अल्लाह उसको मारेगा, उसका सिस्टम ही ऐसा है कि रसूल का दुश्मन अपना वजूद खो देगा, उसके अंदाज के अंदर बका नहीं है। तो अब तौहीद साबित हो गई साइंस के लिहाज से इस मॉडर्न एज में आने के बाद। क्यों? कि दुनिया में जहां भी कहीं पानी है, उस पानी का जो फार्मूला है हर जगह H2O। जमीन में पानी, हवाओं में पानी, या जिस प्लैनेट में पानी है, जिस सैयारे में पानी पाया जाएगा, जहां पानी होगा उसका फार्मूला H2O होगा। कोको कोला चाहे इंडिया में पीने या गल्फ में या अमेरिका में, अगर एक कंपनी का माल है तो फार्मूला एक होना चाहिए। इसके मानी यह है कि दुनिया में हर जगह पानी के कम्बिनेशन में H2O होना इस बात की दलील है एक ही कंपनी का माल है। वरना एक खुदा का पानी कुछ और रंग का होता, दूसरे खुदा का कुछ और होता, तीसरे का पानी ही ना होता। इस किस्म के अगर बहुत से खुदा होते, जैसे हिंदुस्तान के अंदर ये धर्म है कि 33 करोड़ भगवान की जय बोली जाती है, तो अगर 33 करोड़ किस्म के पानी होते तो बड़ी परेशानी होती कि किसकी एजेंसी हमको मिलती है, किसकी एजेंसी नहीं मिलती। इसके मानिए कि दुनिया में हर जगह पानी का एक होना इस बात की दलील है कि जब पानी एक है, फार्मूला एक है, तो कंपनी भी एक होगी और मालिक भी एक होगा। अगली मंजिल, इलेक्ट्रिसिटी जो है 186,000 मील फी सेकंड। जहां बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसकी स्पीड 186,000 मील फी सेकंड होगी। चाहे वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी मरीख में हो, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हो, किसी और दुनिया के अंदर निजाम हो, जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो बिजली की, जो रोशनी की स्पीड है, वो पूरे यूनिवर्स में 186,000 मील फी सेकंड है। ये है इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी या लाइट की स्पीड। रोशनी की रफ्तार का हम रफ्तार होना इस बात की दलील है कि किसी एक ही कंपनी का माल है, किसी और का नहीं। इस कायनात में अगर दो खुदा होते, तीन खुदा होते, चार खुदा होते, तो जैसे अलग अलग बिजलियों की कंपनियां होती हैं कि ये हमारी कंपनी का माल लो, ये इसके लो, इसी तरीके से अल्लाह भी अपनी अपनी बिजलियां और रोशनियां देता कि हमारी रोशनी की रफ्तार कम है या ज़्यादा है, रेट कम है या ज़्यादा है। पूरे यूनिवर्सल सिस्टम में स्पीड ऑफ लाइट का एक होना इस बात की दलील है कि मालिक एक है जिसकी कंपनी का ये सब कुछ हो रहा है। कि जब रोशनी चलेगी, बहुत से प्लैनेट, बहुत से सैयारे ऐसे हैं कि जो ख़त्म हो गए और इनकी रोशनी अभी तक हमारी ज़मीन पर आई नहीं, जबकि खरबों साल हो गए उनको चलते हुए। लाइट की स्पीड से दुनिया छोटी नहीं है, न जाने कितने फितरुस के दम निकल जाएंगे, मगर फिर भी सरहदों का तयुन नहीं हो सकता। यह है
برق کی رفتار، بجلی کی رفتار۔ اب ایک بات بائی دا وے آ گئی ہے تو کہتا چلوں، میں نے عرض کیا کہ اسپیڈ جو ہے لائٹ کی یا الیکٹریسٹی کی وہ 2.5 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے، 1,86,000 میٹر۔ جب چلتی ہے تو ایک منٹ لیتی، ایک سیکنڈ لیتی ہے، جیسے سورج سے یہاں تک آنے کے لیے 4 سیکنڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر اسپیڈ بڑھ جائے اس اسپیڈ سے تو نہ اس کو اسپیس کی ضرورت ہے، نہ اس کو ٹائم کی ضرورت ہے۔ جب روشنی آتی ہے تو اسپیس سے گزر کے آتی ہے، رائٹ، گزرنے کے لیے ظرف زمان اور ظرف مکان چاہیے، جگہ چاہیے جہاں سے بجلی آئے، وقت چاہیے بجلی کے خرچ ہونے کے لیے۔ یہ ہوا اسپیس اور ٹائم۔ جی، جب اسپیڈ بڑھ جائے گی تو نہ اسپیس کی ضرورت ہوگی نہ ٹائم کی ضرورت ہوگی۔ اس رفتار میں 1 سیکنڈ چاہیے اتنی دور جانے کے لیے، مگر جب اسپیڈ بڑھ جائے گی تو اسے نہ زبان کی ضرورت ہے وقت کی، اور نہ مکان کی ضرورت ہے۔ حضور کے لیے معراج میں کہا جاتا ہے وہ براق پہ گئے، براق ہے برق کا مبالغہ، سپیریئر دین الیکٹریسٹی۔ اس کے معنی ہے کہ نبی کی رفتار بجلی کی رفتار سے زیادہ تھی، برق کا مبالغہ، براق۔ برق کی اسپیڈ ہے 2.5 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ جب رفتار اس سے زیادہ ہوگی تو نہ اسپیس کی ضرورت ہوگی نہ ٹائم کی ضرورت ہوگی۔ آئنسٹائن کی رول سے، آئنسٹائن کے قانون کے تحت نہ اس کو اسپیس کی ضرورت ہے نہ اس کو ٹائم کی ضرورت ہے۔ اب جو حضور گئے اور پلٹ کے آئے معراج سے تو زنجیر اگر ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہہ رہا تھا، بستر کی گرمی باقی تھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے جانے کی رفتار لائٹ کی اسپیڈ سے کہیں زیادہ تھی۔ تو اب یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اتنی دور گئے اور آئے یہ کیسے ممکن ہے۔ گئے اور آئے تو جب ہوتا جب آپ کی اسپیڈ بجلی کی اسپیڈ ہوتی، مگر جب اس سے زیادہ سپیریئر ہے تو کب گئے، کہاں گئے، کتنا وقت ہوا، یہ معراج کے مسئلے میں بیان نہیں ہو سکتا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا تو پوری کائنات میں بجلی کی رفتار کا ایک ہی ساتھ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یونیورسل سسٹم میں اسپیڈ آف الیکٹریسٹی ایک ہی ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ بنانے والا ایک ہے۔ یہ ہے توحید الہی، کہ جو اس دور میں مسلمانوں نے تو کوشش نہیں کی، ورنہ معراج کو مسلمان ثابت کرتا۔ وہ تو آئنسٹائن سے غلطی ہو گئی کہ ثابت کر کے بھول گیا کہ میں نے کیا کہہ دیا، بات کو پتا چلا یہ تو حضور کی معراج خود بخود ثابت ہو گئی اس کے اندر، اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ معراج کی کیا صورت تھی۔ تو اس کے معنی ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کی کوئی خدمت نہیں کی، غیر کام کرتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم تو 1400 سال پہلے سے کہہ رہے تھے، یہ اسٹائل ہے کہ جب کوئی چیز ایجاد ہوتی ہے یہ تو ہم 1400 سال پہلے سے جانتے تھے۔ اچھا 1400 سال پہلے سے، اب کیا کیا جانتے ہیں اس کو لکھ کے بتا دو تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کو معلوم ہے۔ تو جب کوئی اور تحقیق کر لیتا ہے تو مسلمان ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اسلام تو 1400 سال پہلے سے کہہ رہا تھا۔ ارے وہ 1400 سال پہلے سے کہہ رہا تھا مگر مسلمان سن کب رہا تھا؟ وہ تو اسلام تو کہہ رہا تھا اس میں کوئی شک نہیں، مگر مسلمان نے کب سنا؟ جب دوسروں نے بتا دیا کہ ہیں یہ ہے، اچھا یہ ہمارے یہاں ہے تو ہم تو پہلے 1400 سال پہلے سے کہہ رہے تھے۔ یہ ہے محکوم ذہن، مفلوج فکر، بیمار طبیعت۔ یہ ہے مزاج مسلم کہ ہم خود کچھ نہیں کر پاتے اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام اتنے دنوں سے پہلے سے کہہ رہا تھا۔ ابھی ہماری یونیورسٹی میں ایک صاحب نے
मले खड़े होकर एक बात पे दावा किया। उन्होंने कहा कि ह्यूमन मिल्क पे तबसरा आ रहा था जी टीवी के ऊपर कि दिल्ली के अंदर उन औरतों में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पैदा हो रहा है जो शादी 28-30 वर्ष की उम्र में करते हैं। एक साथ में फौरन ही अली डे में खड़े होकर कहा, हमारे मौला ने पहले ही कह दिया था कि लड़की जब जवान हो तो अपने शोहर के घर भेज दो। तो मैंने कहा कि ये आपकी इंफॉर्मेशन बहुत देर में पहुंची आपको, आपको ये पहले कहना चाहिए था ताकि ये जो रिसर्च हुई है ब्रेस्ट कैंसर की उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये मुसलमानों के जहन का महकूम होना कि हम में खुद कोई सलाहियत नहीं है, या जैसे इमाम अली का ये कहना कि औरत का, औरत के ऊपर पहला हक ये है बच्चे का कि वो उसको अपना दूध पिलाए, ह्यूमन मिल्क इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जो सिफारिश की है बच्चे के लिए वो माँ के दूध की है। जब अंग्रेज़ों का ज़माना आया तो बोतल चल पड़ी, उसकी तारीफें होने लगी। तो मुसलमान ने कहा इस्लाम ने पहले कह दिया था कि गैरों का दूध पिलाओ, इसी वास्ते हुजूर ने फला औरत का दूध पिया था वगैरह वगैरह, ये इस किस्म की बला बात। तो ये है हमारी परेशानी कि हम खुद कुछ नहीं कर पाते, जब दूसरे करते हैं तो हाथ उठा के कहते हैं ये तो हमारे इस्लाम के अंदर था। तो सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया कि वन्नसफ अल्लाह, आप अल्लाह की तौहीद के आप कायल हो जाइए। इसके मानी ये हुए कि अल्लाह एक है, इसके मानिए कि पूरा यूनिवर्सल सिस्टम एक है, कहीं दो खुदा हमें यूनिवर्सल सिस्टम में नजर नहीं आते। जब ये पहली बात हुई, अब तौहीद से फायदा क्या है, सबसे बड़ा मसला ये क्यों जोर दिया जाता है कि खुदा कहता मुझे एक मानो। अच्छा, हम दो मानने लगे तो आपकी खुदाई में कोई परेशानी हो जाएगी, कोई पॉलिटिकल लीडर तो आप है नहीं कि जिसको वोटों की कसरत चेयर दिलवाती है, वोट न मिले तो वो आसन से उतर जाता है। तो अगर ऐसे आप खुदा हैं कि आपके मानने वाले अगर कम हो गए तो मालूम हुआ कि यूनिटी ऑफ अल्लाह के अंदर कमजोरी आ गई, क्योंकि उसके फॉलोवर मानने वाले बहुत कम हो गए, लिहाजा उसके पैगंबर भेजा अल्लाह के वास्ते खुदा को जरा तवाना करो, तकड़ा करो, जरा खिला पिला के। कहा कैसे होगा कि उसको एक मानो, तो एक मानने से खुदा का कोई भरोसा, कोई काम कि उसकी खुदाई में डेवलपमेंट में इजाफा हो गया। असल में तौहीद का जो फायदे हैं वो ज़ाते इंसानी को है, अल्लाह मोहताज नहीं है आपके सर उसके दर पे झुके, ये सर मोहताज है कि जब तक उसके दर पे न झुकेगा इसके दिल को तस्कीन नसीब नहीं हो। कुदरत ने डिजाइन इंसान का ऐसा बनाया है कि बज़ाहिर मैं फ्री हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग एज़ अ लाइक, मैं बज़ाहिर फ्री हूँ मगर वैसा ही फ्री हूँ जैसे गाय के गले में रस्सी बांध के दूर खूंटे में डाल दिया जाए कि गैया माता घूमे जाओ फिरे जाओ, रस्सी बंधी हुई है। मैं भी आजाद हूं लेकिन मेरे पास भी एक रस्सी है अल्लाह की कि डोर उसके हाथों में कि जब तक पाएगा नहीं मुझे बेचैन रहेगा। तो ये इंसान की फितरत है कि जब तक के खुदा को न पाले, जब तक के इसके जहन सुकून नहीं मिल सकता, इसके अंदर जो इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी है वो इसे बेचैन करेगी कि खुदा को पाले। अगर ये पाले ये इसकी इंस्टिंक्ट है, जल्दी पा ये इसकी फितरत है, जल्दबाजी और खुदा को पाना जब एक जगह जमा हो जाएंगी होती है परेशानी। जब है हुआ है वो होगा है, ये उसकी फितरत ने कहा, इंस्टिंक्ट ने, हर इंसान में एक जबल्लत होती है। चलिए आपका वक्त जाया हो रहा, हो जाने दीजिए, जब बात पूरी क्लियर नहीं है। एक शख्स था दहरिया, खुदा को नहीं मानता था, सेलर था, मल्ला कश्ती चलाता था। सादिक आले मोहम्मद की बारगाह में एक दिन आ गया, देखिए साहब ये मुसलमानों के इमाम कैसे होते हैं, बैठ गया। बहुत से स्टूडेंट बैठे हुए थे इमाम के यहाँ, आप कौन है? कि हुजूर मैं दहरिया हूँ, खुदा को नहीं मानता, मैं आपके पास बैठा हूँ कि कुछ खुदा के मुतालिक बात करूँ। अच्छा अच्छा, बैठो बैठो बैठो। हाँ तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। अब वो आ गया, उसका नंबर। हाँ तो आप कहाँ रहते हैं आप?
मैं बसरे में रहता हूँ। अच्छा, बीवी बच्चे भी हुए हैं? जी हाँ, मैं भी थी। क्या काम करते हैं आप? का सेलर मल्ला, कश्ती चलाता हूँ। अच्छा, कश्तियाँ कहाँ कहाँ ले आते हैं? कि साहब वो अलेक्जेंड्रिया का माल आता है और इंडिया जाता है, श्रीलंका तो गुजर के इंडोनेशिया जाते हैं, ये जाते हैं समंदरों में। अब वो भूल गया कि आया किस नियत से था, इमाम ने घुमा दिया। क्या क्या करते हैं उन्होंने? साहब वो सामान लाना ले जाना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट समंदर के अंदर। अच्छा, तुम्हारे साथ आदमी भी होते होंगे? उन्होंने साहब बहुत होते हैं मल्ला। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े बड़े जहाज होते हैं? उन्होंने कहा कि कभी ऐसा भी होता है कि तूफान आता होगा समंदर में? जी, तूफान बड़े खतरनाक होते हैं। कहा दिन में आते हैं या रात में? कि दिन में भी आते हैं, रात में भी आते हैं। कि रात में तो बड़ी मुसीबत आती होगी, डर लगता होगा? हाँ, वो काली रात, अंधेरी रात, उमड़े हुए बादल, तेज हवाएं, हवाओं के झक्कड़, रे हुआ चारों तरफ। कि कभी कभी कश्ती को नुकसान भी होगा? जी हाँ, वो चप्पू टूट जाते हैं, बादबान उखड़ जाते हैं, साथी डूब जाते हैं, मर जाते हैं। कहा मल्ला, ऐसे में जब के साथी बिछड़ गए हों, चप्पू टूट गए हों, बादबान उखड़ गए हों, कश्ती के डूबने के आसार हों, ऐसे मौके पे दिल को कभी टटोला है कि कोई है जो चाहे तो बचा ले? हाँ, कुछ हाँ हाँ ठीक है। मायूसी जब हद से बढ़ती है तो मायूसी के अंधारे में, अंधेरे में एक उम्मीद की किरण नजर आती है कि अब भी एक ताकत है जो चाहे तो बचा सकती है। इमाम ने कहा वही हमारा खुदा है जो तेरे सबकॉन्शियस में बैठा हुआ है। उसको साबित करने के लिए लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ दिल का जिंदा रहना ही काफ़ी है खुदा की मार्फत के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाया कि इंसान की ज़हनी मजबूरी है कि खुदा के बग़ैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। यह है तौहीद की ज़रूरत, इसलिए कि दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ज़िंदगी के सफ़ेद कपड़े पहन के गम की वादियों से गुजरा हो और गमों ने उसके लिबास दिल के ऊपर अपना असर न छोड़ा हो। हर इंसान इस दुनिया में मुसीबत सहता है, कोई इंसान ऐसा नहीं कि जिसको मुतलकन राहत मिलती हो। जनाब मूसा ने जिब्राइल से पूछा था, जिब्राइल तुम्हें कभी कभी हंसी भी आती है या नहीं आती पब्लिक की हालत में? कि हाँ आती है। जब इंसान इस दुनिया में राहतें ढूंढता है तो हंसी आती है, कि जब दुनिया में राहत नाम की कोई चीज़ अल्लाह ने रखी ही नहीं है तो बेवकूफ़ ढूंढ किसको रहा है। तो लिहाजा इस दुनिया में राहत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसको आप राहत कहते हैं उसके पहलू में कांटे चुभे हुए होते हैं। तो लिहाजा फूलों की सेज भी अगर बिछा दी जाए तो कांटों से छुटकारा नहीं मिल सकता उसके अंदर। तो लिहाजा गम आते हैं, गम की एक अपनी साइकोलॉजी है कि अगर गम किसी से बयान न किया जाए तो नासूर दिल बन जाता है, कैंसर बन जाता है। बयान करने से गम हल्का हो जाता है, दिल में घोट रहने से गम और बढ़ते हैं और इंसान का जीना बड़ा दूभर और मुश्किल हो जाता है। मगर मुसीबत यह है कि अगर मैं मुब्तलाए गम हूँ, कोई गम मुझे सताए तो कहूँ तो किस से कहूँ? कुछ बातें बीवी से कहने की होती हैं, माँ बाप से छुपानी पड़ती हैं। कुछ बातें माँ बाप से कहने की होती हैं, बीवी से छुपाने की होती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं कि दोस्तों से छुपाई जाती हैं, बीवी बच्चों से माँ बाप से कही जाती हैं। कुछ बातें वो होती हैं जो माँ बाप से भी नहीं कही जाती, दोस्तों से बताई नहीं पड़ती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो न दोस्त को बताने की हैं न घर वालों को बताने की हैं। ये अगर बयान न किया जाए तो फिर फ्रस्ट्रेशन, उलझन, बेचैनी, इस्तराब इंसान को दुख पहुंचाता है। सिर्फ एक जात ऐसी है कि जिससे कहा जा सकता है। घर वालों से कहने के लिए जबान की ज़रूरत है, मीडिया की ज़रूरत है। उससे कहने के लिए
जबान की जरूरत नहीं है, जबान बंद रखो, दिल बोले, यही काफी है। फिर दोस्त से अगर कोई बात बताए तो अगर वो कर सकता है तो एहसान होगा, नहीं कर सकता तो उसे तकलीफ होगी। कहने के लिए जाएं तो कहां जाएं, मुसीबत आई है 2 बजे रात को, उठाएं तो किसको उठाएं, किसी दोस्त को नहीं जगा सकते। बहुत से कनेक्शन टेलीफोन के बंद करके सोते हैं। सिर्फ एक ही दर ऐसा है जिसकी हॉटलाइन हर वक्त इंसान के सामने लगी हुई है। लंबर डायल मत कीजिए, कुछ मत कहिए, दिल काफी है। दिल की आवाजें भी सुनता है। अम्म युजीबुल मुस्तर इज़ा दाउ यख्शतु सू, कौन है जो दुखी दिलों की बातों को सुनता है और सुन के मजाक नहीं उड़ाता, सुन के गुजर नहीं जाता। यख्शतु सू गमों के सारे कांटे निकाल देता है, ना एहसान जताता है ना किसी दूसरे को बताता है। इसलिए इंसान के जहन की कमजोरी है कि अगर खुदा से रब्त न जोड़े तो मायूसियां उसे डस लेती हैं और इंसान मायूस होके सुसाइड और खुदकुशी करता है। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को मानने वाला है तो वो कभी सुसाइड नहीं करता। सुसाइड वही करते हैं जो खुदा की रहमतों से, नेमतों से मायूस हो जाते हैं। और दुनिया में सबसे बड़ा कुफ्र खुदा से मायूस होना। इससे बड़ा दुनिया में कोई गुनाह नहीं है कि इंसान उसकी रहमत से मायूस हो जाए। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, तुम किसी भी सूरत से रहमत इलाही से तुम मायूस मत होना। क़यामत आ जाए, हिसाब व किताब हो जाए, तुम्हारे हाथों में परवाना मिल जाए कि तुम दोजख का वीज़ा तुमको मिल गया, तो अब जब दोजख की तरफ में ये चलता है इंसान तो पलट पलट के देखता रहता है। फरिश्ते ने पूछा, ए दोजखी, अब तो फैसला हो गया, अब पलट पलट के क्या देख रहा है? कहा, उसकी अदालत का फैसला हुआ है, रहमत का फैसला तो अब भी बाकी है। वो चाहे अच्छा, यहाँ दरूद भी पढ़ी जाती है, मुझे नहीं मालूम था। बहरहाल कैसे भी सुने, मैं तो आदी हो चुका हूँ सुनाने का। चाहे आप ऊँ के सुने, आंखें खोल के खिने, मुंह खोल के सुने, सब कोई फर्क नहीं पड़ता। बहरहाल तो इस तरीके से इंसान का जो अंदर डिजाइन है वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि तुम हो आजाद मगर तुम्हारे जहन की डोर उसके हाथों में है। लिहाजा ये मत समझ लेना कि छुटकारा मिल जाएगा। तो इंस्टिंक्ट कहती है वो है, जल्दबाज फितरत कहती है जल्दी से ढूंढ। तो जल्दी जल्दी कहां से, हमारे जल्दी जल्दी से ढूंढ, वरना सजदे बिखर जाएंगे कि ये है बुत, ये है तेरा खुदा। हाँ है, दे सजदा, दे सजदा, दे सजदा। तो अगर एक बुत से काम चल गया होता और दिल मुतमईन होता तो आदमी कभी दूसरा बुत ना बनाता। 2 बुत, 3 बुत, 4 बुत, 5 बुत, बुत पे बुत, बुत पे बुत, 307 होते। इसके माने ये हुए कि बना तो दिया नकली, डिमांड की असली सप्लाई हुई नकली। नतीजा हुआ कि खुद बुत साज और बुतगर बुत शिकन बनता रहा, बनाता गया तोड़ता गया, बनाता गया तोड़ता गया, बनाता गया। घिरौंदे बनाना बचपन से इंसान का काम है और तोड़ देना इसकी हॉबी है। तो लिहाजा बगैर खुदा के इंसान कभी नहीं रह सकता, मजबूर है, उसकी डोर हाथों में है। खुशियों में नहीं, गमों में। खुशी में तो अल्लाह याद मुझे भी कभी नहीं आता, मगर जब दुख लगता है, दिल में बीमारी, दिल दुख, या अल्लाह है। जब भुना हुआ मुर्ग सामने आता है तो मैंने कभी नहीं कहा या अल्लाह,
मगर जब फाका हुआ या अल्लाह तो ये फाका हो गया, उसको अल्लाह कहना चाहिए। ये है इंसान की साइकोलॉजी के गमों में इंसान उसे पुकारता है खुदा। तो अगर ये खुदा का सहारा ना हो तो जिस तरह 60% यूरोप के आदमी क्रेजी हो गए और जहनी बीमार, सिर्फ इसलिए कि लग्जरियस लाइफ ने मसर्रतें तो दी हैं मगर गमों को झेलने के लिए फार्मूला नहीं दिया। न्यू जर्सी में अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, मेरे सामने एक बड़ा प्यारा केस हुआ कि वो गाड़ी ख़राब हो गई मैडम की, उनको जाना था ऑफिस, वो शौहर से कही गई उसे ठीक कर दे ठीक कर दे ठीक कर दे, वो नहीं कर सका, उसने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया, वो बॉयफ्रेंड आया और उसे अपनी गाड़ी में बिठा के ले गया, गाड़ी छोड़ गया। अब ये चीख रहा है, सर पे हाथ मार रहा है, तो मुझे हंसी आ गई, तो कह रहा है कि यो इंडियन तुम भी हंसते हो। मैंने कहा रोने की कोशिश तो की मगर हंसी आ गई, मैं करूँ तो क्या करूँ, वो चली गई। मैंने कहा दिल दुखा, फार्मूला क्या है दिल, जब बेचैनियाँ हों तो क्या हो, तुमने इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने ये मैं से बात इतनी कहना चाहता था कि यूरोप ने मसर्रतें तो ढूंढी थी, वक्त है तो क्या करें, क्लब जाओ, पब में जाओ, होटल मोटल में जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, खुशियों के लिए तो दसों सेंटर बना दिए, गमों का मदावत कि गम आए तो क्या करें। अच्छा पहले तो उनको यकीन नहीं था कि दुनिया में गम आता भी है, लेकिन जब गम आने लगे और पागल बनने लगे, यू मैंने कहा ना 60% लंदन के यूरोप के लोग मेंटली सिक हैं, क्योंकि उनको बेचारों को सुकून जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती। सुकून मिलने के लिए जिंदगियां चाहिए आदमी को, पत्थरों से सुकून नहीं होता, वो तो एंटिक लेके सुकून हासिल करना चाहते थे कि ये एक ईंट मिल गई वहाँ की मोहनजोदड़ो की, कितने में खरीदी है 22,000 पाउंड में। मैंने कहा क्या करोगे इसका, कहीं रखी रहेगी। मैंने कहा जब दौलत हंस से बढ़ती है तो पागल बना देती है, 22,000 पाउंड की एक ईंट मोहनजोदड़ो की चुराई हुई वो भी। तो आपने अंदाजा लगाया कि इनको गमों का अंदाजा नहीं था कि दुनिया में गम क्या होते हैं, और जब गम आए तो सिवाय याद इलाही के अम्म युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाहु यक्शफु सू। तो खुदा को याद करने वाला कभी सुसाइड नहीं करता, क्योंकि वह मायूस ही नहीं, न जाने का कुदरत की रहमत आ जाए। सबसे पहले तो सब्र ये था, दूसरी बात यह कि गुनाहों से बचाने के लिए अल्लाह के आइडिया से बेहतर कोई आइडिया नहीं है। अगर न भी है खुदा तो गुनाहों से बचने के लिए बना लो, जहां बहुत सी चीज़ें बनाते हो खुदा भी बना लो। इसलिए कि जब तक के निगरानी का तसव्वुर नहीं होता आदमी एक्टिव नहीं होता। बिल्डिंग बनवा रहे हैं, मजदूर लगे हुए हैं, आप जरा पीछे हटे, मजदूरों ने देखा कि चला गया साहब, है मंगवा बैठ, चला गया कम बगल, हर वक्त खड़ा रहता है, ला निकाल बीड़ी। अब वो बीड़ी पीनी शुरू कर दी, क्यों, निगरानी का जो तसव्वुर था वो ख़त्म हो गया, अब कोई नहीं है देखने वाला। तो जब इंसान को यकीन हो जाए कि कोई देखने वाला नहीं है तो वहीं वो ढीला होकर बीड़ी निकाल लेता है पीने के लिए। तो आपने अंदाज़ा लगाया कि निगरानी का तसव्वुर हर वक्त जितना रहेगा कि वो है, उतना ही आदमी एक्टिव रहेगा। हम अल्लाह के नज़दीक हों या न हों मगर अल्लाह तो बहुत नज़दीक, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तेरी शहरक दूर होगी हम तेरी बैकबोन से भी ज़्यादा नज़दीक हैं। ये हम तो कुदरत में हर वक्त हम तेरी निगरानी पे हैं बंदे, मैं तुझसे दूर नहीं हूँ। तो जब इंसान को ये यकीन हो जाए कि वो देख रहा है तो अब जरा ये अलर्ट होता है, गुनाह कब करता है आदमी, जब यकीन हो जाए कि अल्लाह ने आंखों पर पट्टी बांध ली, जब यकीन हो जाए कि खुदा नाबीना हो गया वो हमें नहीं देख रहा, तब गुनाह करता है। यानी जब गुनाह करता है तो इसकियान का इतना गहरा दबीज पर्दा पड़ जाता है कि खुदा का यकीन धुंधला बन जाता है, और जोश व जज्बात में वो इतना अंधा बनता है
कि उसे खुदा नजर नहीं आता। मजहब ने यही तसव्वुर पेश किया कि वह है हर वक्त देख रहा है। वो जवानी की तमन्नाएं, वो शबाब की तरंग, वो जुलेखा के बिखरे हुए जज्बात, दौलतमंद तबके के हाथों में जकड़ी हुई एक जवान जिंदगी, यूसुफ का शबाब। कुरान मजीद ने तसव्वुर पेश किया कि हाई फाई फैमिली, शौहर तो कुछ होते हैं, बीवियां कैसी हो जाती हैं। कुरान मजीद ने जुलेखा का तसव्वुर पेश किया। जुलेखा शबाब के दबाव से और दौलत के जोर से शबाब खरीदना चाहती थी। शबाब किसी इंसान का नहीं था, नबूवत का था, और नबूवत उम्र के हर हिस्से में हिदायत है, मोहताज हिदायत नहीं। लिहाजा जब जवानी को गिरफ्त में लेना चाहा तो यूसुफ को ऑपरेशन का ख्याल जरूर आया। इसका इलाज कैसे हो? ये डिजीज जो दौलत ने और जवानी ने बख्शी है, इसका इलाज कैसे हो? बेसमेंट था, यूसुफ ने शो ऑफ किया, हाँ हाँ जुलेखा तुम कामयाब हो जाओगी, घबराओ मत, जरा और कोशिश। जब यकीन हो गया जुलेखा को कि तायर शबाब मेरे हुसन के जाल में अब फंसने के अंदर करीब है या फंस गया है, तो जुलेखा आगे बढ़ी, एक चादर लेके उसने अपने बुत के ऊपर डाल दी। इसी वक्त का इंतजार था यूसुफ को। जैसे ही बुत के ऊपर रेदा पड़ी, यूसुफ कहते हैं जुलेखा ये क्या किया तुमने? कहा यूसुफ तू नहीं जानता ये मेरा भगवान है, और मैं नहीं चाहती भगवान हमारा ये सीन देखे, इसलिए मैंने चादर डाली। यूसुफ को इसी वक्त का इंतजार था। इलाज बिज़िद सरकार, इलाज भी जिद क्या होता है डॉक्टर साहब? कि एक डिसीज को हिकमत में इतना बढ़ा दो, नजला है तो नजले का इलाज क्या है? नजले को और बढ़ाओ ताकि पीक पे पहुंच जाए, जो चीज आखिरी पीक पे पहुंचती है वो नीचे आ जाती है। ये इलाज भी जिद और इलाज भी मिसल अलग अलग चीज थी। यूसुफ ने जो इलाज किया वो यही किया कि शबाब को और भड़का दिया, तमन्नाओं को और महमेस कर दिया। अब जब बुत के ऊपर रिदा डाली तो यूसुफ पूछते हैं क्या हुआ है खुदा को तुम्हारे? कहा यूसुफ मैं नहीं चाहती कि हमारे इस ऐप को मेरा खुदा देखे, इसलिए मैंने चादर डाल दी ताकि वो ये सीन न देख सके। जुलेखा ये तेरा खुदा है, जिस पर चादर डाल दी जाए तो चादर का ताना बाना तेरे खुदा को अंधा कर सकता है, मेरे खुदा को नहीं। दुनिया की कोई दीवार, दुनिया का कोई हिजाब, दुनिया का कोई पर्दा मेरी मेरे महबूब की आंखों को रोक नहीं सकता। बता मैं गुनाह करूं तो कैसे करूं, मेरा खुदा तो देख रहा है। अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। तो ये है इस्लाम, हर वक्त खुदा को याद दिलाता है। इसलिए नहीं कि खुदाई में डेवलपमेंट हो जाएगा, हाँ ये मेरा बंदा बहुत बढ़िया हर वक्त मुझे याद करता है, घबरा मत मेरे बंदे, रोस्टेड मुर्गा खिलाऊंगा तुझे रोज अगर तू याद रख। खुदा का कोई फायदा नहीं है याद करो या मत करो। अब क्या है, खुदा को याद करो। याद कैसे आएगा? कि जब काम करोगे तो खुदा का काम है, जो भी काम करो तुम अपनी जिंदगी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने पेट के लिए, अपनी दुकान के लिए, जो भी तुम काम कर रहे हो वो सब अल्लाह का काम है। एक शख्स ने सादिक आले मोहम्मद से कहा मौला एक नुस्खा दे दीजिए मुझे, मैं अपनी जबान में कहूँ बम्बई की जबान में, एक ताबीज दे दीजिए मौला, क्या करोगे ताबीज? कहा कि वो ताबीज बांध लूंगा तो मुझे अल्लाह याद रहेगा, हर वक्त मेरा हर वक्त धंधे को जिताता है, बीवी को दो, बच्चे को दो, अजीज को दो, कुटुंब को दो, दुकान को दो, मकान पर, हर वक्त दुनिया 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 दुनिया। मौलाना फेडअप हो गया, मौला ताबीज दे दो कोई ताकि मेरा दिल जरा दीन की तरफ रागिब हो। इमाम फरमाते तुमने तो कोई ऐसी बात नहीं कही जो दुनिया हो, ये तो सारी दीन की बातें हैं। बीवी वो दीन में, बच्चे वो दीन में, मकान वो दीन में, अच्छा लिबास वो दीन में, अच्छे मुर्गी खाना वो दीन में, सारी तो तूने दीन की बातें कही, दुनिया तो इसमें है ही नहीं।
तो मैं तावीज किस बात का दूं? ये सब दीन है, ये सब दीन है। अच्छा ड्रेस, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी, मर्सिडीज, चमकती हुई फर्स्ट क्लास साहब जा रहे हैं, ये सब दीन है। अल्लाह की नेमतें बदमाशे लुच्चे लफंगों के लिए नहीं है, अपने मोमिन बंदों के लिए है, तुम लेते क्यों नहीं? जो बज़्म में है यहाँ कोहता, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के हाथ में ले ले यहाँ सागर, उसी का है ये दुनिया है। अगर हाथ में बढ़ के ले लिया तुमने तो मिलेगा, और अगर हाथ बांधे रहे आजा 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 आजा, तो ये दुनिया भी लज्जत है, कोई कबूतर नहीं है जो तुम्हारी अटारी पे उतर जाएंगे। लैसा लिलइंसान इल्ला मा सआ, इंसान को उतना ही मिलेगा जितनी उसने कोशिश की है। ये अल्लाहु 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 छू मंत्र से अल्लाह नहीं देता, या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको या रज़ाको, तो तस्बीह के दानों की गर्दिश पहम से रिस्क नहीं मिलता। अमल करो, और जब अमल करो तो नतीजा खुदा से मांगो, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठे हो अल्लाहु तो हु यू आर, जो अल्लाह तुम्हारा ख्याल करेगा। तो लिहाजा नहीं, तो ये है इस्लाम में अल्लाह का तसव्वुर, के हमारा फायदा जो है बशर का वो याद इलाही के अंदर। तो या तो वो काम करो, अब है फुर्सत, जब फुर्सत है तो अब क्या करें? इधर फुर्सत मिली, मैंने अर्ज किया था कि इधर खाली मकान बना के आप आए वतन से मुंबई में, और वो महल्ले वाले गुंडों ने अपने घर, आपके घर को अपना कब्जा बना लिया। बिल्कुल इसी तरह शैतान जगह पे आ जाता है। ये दिल, ये याद इलाही के लिए, दिल के मानी नॉट वो हार्ट, डॉक्टर वाला हार्ट नहीं, पुराने वाला दिल। ये दिल जो है इसके चारों तरफ फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं, याद इलाही अगर है तो। जितना याद करोगे दिल के चारों तरफ एक नूर का हाला तवाफ करता फिरेगा उसके अंदर, इसलिए कि उसके सिस्टम में सर्किल भी है, रोटेशन भी है। खाना काबा एक है, चारों तरफ हाजी तवाफ कर रहे हैं। सूरज सोलर सिस्टम एक है, चारों तरफ उसके प्लैनेट घूम रहे हैं। एटम के अंदर न्यूक्लियस एक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चारों तरफ गर्दिश कर रहे हैं। माँ बाप का एक सेंटर है, लड़का लड़की चारों तरफ उसके दरमियान गर्दिश कर रहे हैं। यह है यूनिवर्सल सिस्टम। अब जहां जिक्र रुका वो जो सर्किल है उसमें गैप बना, जब गैप बना तो अब शैतान उसके रास्ते में आ गया, अब उसने गर्दिश शुरू की। जब उसने गर्दिश शुरू की तो आपके हाथों से जिक्र इलाही जाता रहा, शैतान चारों तरफ घूमने लगता है। वो मैयाशन जिक्र रहमान नुकद लहु शैतान वह हुआ लहु करीम। जब जिक्र इलाही से कोई गाफिल हो जाता है तो शैतान उसको टेक ओवर कर लेता है, फिर जाने का मूड नहीं होता उसका। यह है जिक्र इलाही कि हर वक्त जहन को जिक्र इलाही से पाक करते रहो। ये जिक्र इलाही क्या है? हाँ, अब आया जिक्र इलाही इन एटॉमिक एज। दरअसल हमारे तीन चीजें हैं जिससे हम बने हैं। फिजिकल बॉडी जो मुख्तलिफ किस्म के मैटर से बनती है, विटामिन से तैयार होती है। जमीन के जुज अज्जा जो हैं वह जिस्म को बनाते हैं, ये हमारे जिस्म का कम्बिनेशन है। जब इसमें कमी होगी जिस्म बीमार होगा। दूसरा है जहन, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी नॉलेज और इल्म के बिना पर दिमाग की तकरीर होती है। जब जहालत होगी जहन बीमार हो जाएगा, जब जहालत होगी जहन बीमार होगा, जब जिस्म में कमी आएगी जिस्म बीमार होगा। हमारा दिल, दिल जो हुआ बनाए सिफात इलाही से। सिफात इलाही क्या? 99 जो अल्लाह के नाम कुरान मजीद में है वो है हमारा सिलेबस, हमारा कोर्स। ये नहीं है कि अल्लाह के बस बेचारे के 99 नाम है, न जाने कितनी सिफतें होंगी जो हमें नहीं मालूम, मगर एक इंसान के लिए 99 सिफतों की जरूरत पड़ती है। वो कुरान मजीद में कुदरत ने अपने नाम जगह जगह, रहमान रहीम करीम सत्तार गफार जमील जवान, ये सब नाम हैं। इसके मानी है कि ये वो विटामिन हैं जो हमारी रूह के लिए ज़रूरी है।
रहमत कम हो गई, करम बढ़ गया, सत्तारियत डूब गई, लज़ाकत खत्म हो गई, तो अब जिस चीज के विटामिन की कमी हो दिल के अंदर उसको पुकारो, या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक। क्या मानी हुए? अगर रिस्क कम है, धंधा खराब है, परेशानी है, तो आप कुछ जिसकी जरूरत है, क्या रिस्क का टोटा है, क्या पुकारो रज़ाक को, या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक या रज़ाक। इतना दोहराओ कि दिल के अंदर रज़ाकियत अंगड़ाई लेने लगे। यह है जिक्र इलाही का फायदा। कोई केस हो गया आपका उल्टा सीधा, अब आप चाहते हैं कि वो फाइल दबी रहे, बताइए अल्लाह की कौन सी सिफत है कि जिसको पुकारने से फाइल दबी रहती है? या सत्तार हो, 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 या सत्तार हो। जी रहम हम में कम हो गया, या रहीम हो, 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 या रहीम। इतना पुकारो कि ज़बान आप बंद करो, या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम, बंद कर दो तो दिमाग कहने लगता है या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम। जब जहन विर्द करते करते एक ऐसी मंजिल पे पहुंच जाए कि अब जहन से भी मत सोचो, दिल खुद कहेगा या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम हो, या रहीम। जब दिल बोलने लगे या रहीम, तो नज़र भी खुलेगी तो रहमत के लिए, कान भी खुलेंगे तो रहमत के लिए, ज़बान भी खुलेगी तो रहमत के लिए, हाथ भी उठेंगे तो रहमत के लिए, कदम भी उठेंगे तो रहमत की मंजिल के लिए, दिल भी धड़केगा तो मशीयत की रहमत के लिए। उस वक़्त बंदा चुप हो जाता है, कुदरत कहती है वमा यंत्रिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये खुद नहीं बोलता, ये तो हमारा कलाम है जो अपनी ज़बान से कर रहा है। वमा रमैता इज रमैता वलकिन अल्लाह रमा। ए मेरे नबी, तूने कंकरियाँ हाथों से नहीं फेंकी, ये तो हम थे जो तेरे हाथों से कंकरियाँ फेंक रहे थे। ये तो सिंगुलर करेक्टर सामने आया। अब इस्लाम ने सबको इकट्ठा किया, वो मा तशाउन इल्ला अन यशा अल्लाह। ये वो ग्रुप है जो कुछ नहीं चाहता, वही चाहता है जो हम चाहते हैं। तो जब बंदा इस मंजिल पे पहुंचता है तो नजर होती है उसकी, कहलाती है ऐनुल्लाह, ज़बान होती है उसकी, कहलाती है लिसानुल्लाह, हाथ होता है उसका, कहलाता है यदुल्लाह, नफ्स होता है उसका, कहलाता है नफ्सुल्लाह। ये वो मंजिल है जिक्र इलाही की, कि इंसान के अंदर जिक्र जम जाता है। चलिए बच्चों की मिसाल देने के लिए मैं कह दूँ, हमारे एक आदमी था, जॉब नहीं मिलता था, चलिए दे दिया जॉब टाइप करने के लिए। अब वो टाइप सीख रहा है, ए एस किधर है, ये एस, हाँ एस में लिखिए, डी 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 एल एल, तवज्जो भी है, नज़र भी है, उंगली भी है। अब एक साल के बाद हम पहुँचे उसी ऑफिस में, अरे मियाँ खैरियत पैसा? उन्होंने कहा जी हाँ खैरियत। उन्होंने कहा भाई कहाँ अशरा पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा वो ख़राब हो जाएगा। नहीं कोई बात नहीं है, ये बताइए कि इस साल अशरा कहाँ है? और फिर उनके यहाँ अमेरिका में धमाल हुआ तो आप कहाँ जाइएगा? लंदन में वीज़ा नहीं मिला। अरे वो ख़राब हो जाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल सही होगा। इतना दोहराया एक ही चीज़ को कि शऊर और नज़र उतर के उंगलियों में बैठ गए। तो इसी तरीके से जिक्र इलाही इतना दोहराओ कि बात भी करो तो रहमत की तरह, काम भी करो तो रहमत की तरह। ये इंसान की ज़िंदगी है, खुदा को एक मानने का नतीजा ये होता है कि बहुत बड़ी ताकत पुश्त पर महसूस होती है। कोई उल्टी सीधी बात होती, घबराओ मत यार, और जो है ना वो उनके मिनिस्टर से ताल्लुकात हैं, चीफ मिनिस्टर से। तो जब किसी की पुश्त पर चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर होता है तो बेखौफ हो जाता है, नहीं हो जाता? तो अगर किसी के पुश्त पर खुदा का तसव्वुर हो तो खौफ किसका खाएगा? खुदा है उसके पीछे।
लिहाजा खुदा को याद करना एक मजहब का फरीजा है। जरा सुनिएगा, अगली बात जरा खतरनाक है। याद करना और बात है, और वक्त पे याद रखना और बात है। कहते रहे अल्लाह 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 अल्लाह। अब रमजान में आपसे झगड़ा हो गया, आता आ जा जल्दी से। अब वो सारी जबान खत्म हो गई, लैंग्वेज वो सब खत्म हो गई। अब वो अंदर जो भरा हुआ था कनस्टर वो निकलने लगा। ये गालियाँ कौन बकता है जिसके अंदर भरी हुई हो? तो अगर गालियाँ भरी हुई हैं तो गालियाँ निकलेंगी, नेकियाँ भरी हुई हैं तो नेकियाँ निकलेंगी। तो यही है कि गुस्से से कनस्टर जो होता है वो ज़रा उबल जाता है। तो इस तरह याद करना और बात है, वक्त पे याद रखना और बात है कि उसको आप अप्लाई करते हैं या नहीं करते। तो जो गैज़ व गज़ब में आने के बाद भी खुदा पर नज़र डालता है और चुप रहता है, वो है खुदा को याद रखना। शामी एक आया मदीने, देखा कि बीमार कर्बला चले जा रहे हैं। उसने एक बुरी बात कही इमाम को, इमाम आगे बढ़ गए। फिर उसने वही बात दोहराई, फिर इमाम आगे बढ़ गए, फिर वही बात दोहराई। दोहराते दोहराते वो थक गया, आगे पहुंचा और इमाम के शानों पे हाथ रख के कहा, सैयद सज्जाद मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा था। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, हम उतनी ही देर से तुझे माफ कर रहे थे। ये है कि तुम्हें एक चीज का इख्तियार है तो तुम माफ कर सकते हो, तो खुदा से भी उम्मीद रखो वो भी तुम्हें माफ कर देगा। जब तुम अपने मुजरिम को माफ नहीं कर सकते, भाई की सूरत नहीं देखूंगा, बहन से बात नहीं करूंगा, मुंह चचा कैसे, तो जब तुम अपने खताकार को माफ नहीं करते तो कल खुदा से क्या उम्मीद रखोगे कि खुदा हमें माफ करे। तो तौहीद ये कह देना कि अल्लाह एक है, यह अव्वल तौहीद और दूसरे अदल और बात है। बर वक्त उस खुदा को हर वक्त जहन में रखना और उसको मौके के ऊपर उसको अप्लाई करना, यह है सबसे मुश्किल काम। मगर है था क्या, अव्वल तौहीद या तो खुदा रहा हमें जब, लेकिन कभी मौके पे अल्लाह हमें याद नहीं आया, जिंदगी किसी और को दे दी, अकीदा किसी और को दे दिया। जब तक ये दोनों चीज़ें हम आहंग न होगी, यकीन उसकी ज़ात के, वो बचाएगा, वो देख रहा है। तो जब वो देख रहा है तो फिर डर ख़त्म हो गया, गैरों की किबरियाई ख़त्म हो गई अल्लाहु अकबर कह के। इसी वास्ते अजान में जो तक रिपीटेशन है, अकबर 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 अकबर, हालांकि अगर मुझसे मशवरा लिया जाता तो मैं हर सेंटेंस में अल्लाह का एक नया नाम लगता, अल्लाहु सत्तार, अल्लाहु गफ्फार, अल्लाहु रहीम, अल्लाहु करीम, क्या परेशानी की बात। मगर एक ही लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, इंसान को खौफ से बचाने के लिए। क्यों दुनिया से डरते हो जब इतनी बड़ी ताकत तुम्हें मौजूद है, और इस यकीन के साथ कि वो अगर वो चाहे तो मेरा कोई बाल बेका नहीं कर सकता। मगर चूंकि अमूमन यकीन नहीं आता हमें कि वो किबरियाई का मालिक हमारी मदद कर सकता है, इसलिए कभी हम उस महाशक्ति के आगे सर झुकाते हैं, कभी उस बिग पावर के आगे सर झुकाते हैं, कभी उसको राजिक समझते हैं। ये है हमारी बेदीनी है, परेशी मानते हैं अल्लाह एक है मगर हाथ फैलाते हैं गैरों के सामने। ये था इस्लामी तसव्वुर के वो है, और जब है तो कितना ही यजीद का लश्कर क्यों ना हो, लश्कर के दिल में खौफ पैदा हुआ है, 72 के दिल में कभी खौफ पैदा नहीं हुआ। ये था खुदा पर यकीन रखने का वाहिद नतीजा कि उधर के लोग टूट के मिले हैं,
इधर का कोई प्यासा चोरी से फरार कर नहीं गया, उसने रियायतें नहीं चाहीं, जबकि रियायतें देने वाले लोग मौजूद थे। यही करबला का सबसे बड़ा यकीन देने वाला कि ऐसी हालत में भी जबकि कोई जान बचने की उम्मीद न हो, लश्कर में फौज में होता क्या है, पॉलिटिक्स जंग के दौरान में कभी सही खबर नहीं देती पब्लिक को कि कहीं पब्लिक में मायूसी ना पैदा हो जाए। इसी वास्ते बाजे बजाए जाते हैं, धम धम क्या चीज है कि बाजों के शोर व गुल के अंदर खौफ दिमाग में दाखिल ना हो जाए, शोर व गुल ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो। कोई मीडिया अपने मुल्क वालों से सच बात नहीं कहता, न अमन के ज़माने में और न जंग के ज़माने में। सिर्फ एक जनरल ऐसा था जिसने एक एक को बुला के कहा था कल तुम मारे जाओगे, रात जब ख़त्म हो जाएगी सफ़ेद ये शहर नमोदार होगी तो सफ़ेद करने तुम्हारे लहू को देखेंगी और तुम्हारी ये बिखरी हुई लाशें अर्ज करबला पे पड़ी रहेंगी। दिल तोड़ने की जितनी भी बातें हैं वो सब इमाम पहले ही दिन से कहते रहे, जब मदीने से चले थे तो ये कह के ये मुझे कत्ल करना चाहते हैं, जब मक्के से चले तो ये कह के मुझे ये कत्ल करना चाहते हैं। फरजदक ने बताया कि बनी उमैया की तलवारें आपके खिलाफ उठ खड़ी हुई हैं, ये सारा यकीन। और फिर जगह जगह यही बता, जो भी आके मिला हम आपके साथ चलना चाहते हैं मौला, कहा हम कत्ल हो जाएंगे। अच्छा कत्ल हो जाइएगा, खुदा हाफिज़, तो आप जाइए। ये लोग सब जिंदगी के साथी थे, मौत का साथी कोई ना था, आपने महसूस किया। लेकिन हुसैन ने अपना दफ्तर खुला रखा, ज़ुहर कहन दुश्मन के कहन का आदमी था उस्मान, कभी ज़ुहर कहन आले रसूल का दोस्त नहीं रहा, इतनी नफरत थी ज़ुहर को कि एक ही सड़क और एक हाईवे से जब गुजर रहे थे तो ज़ुहर कहन दूसरे रास्ते पर, इमाम हुसैन दूसरे रास्ते पर। ज़ुहर कहन ने कभी नमाज के लिए भी हुसैन के पीछे बाजमात नमाज पढ़ने की तकलीफ नहीं की। सुना होगा आपने हुर्र ने तो इमाम के साथ नमाज पढ़ी है दुश्मनी के बावजूद भी, मगर ज़ुहर कहन इतना शदीद मुखालिफ आले रसूल का, इन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। शाम का वक्त शाहराह सड़क के एक किनारे ज़ुहर कहन का खेमा इनके साथियों का, इधर इमाम हुसैन का खेमा। शाम का वक्त आया, आपको मालूम है कि अरब मगरिब से पहले खाना खा लेते हैं। ज़ुहर कहन की बीवी ने दस्तरखान सजाया, रोटियां ला के रखी, अदब से बैठ गई, बिस्मिल्लाह। ज़ुहर कहन ने लुकमा तोड़ा था जो खेमे के दरवाजे पे किसी के कदमों की चाप की आवाज़ सुनाई दी, आदत के तहत लुकमा रुक गया। ज़ुहर ने लुकमा जब रोक दिया तो बीवी ने भी खामोशी इख्तियार की, वो भी लुकमा तोड़ के बैठी रही। कुछ देर जब गुजरी तो बीवी ने कहा, चौंकाया, ज़ुहर अगर इस्लामी तालीम दम तोड़ चुकी है तो अरबों की रविश के तहत मेहमान बाहर दरवाजे पे हो और तुम लुकमा लिए सोच रहे हो, हमारा कल्चर है बुलाओ उसे खाने के वक्त। ज़ुहर ने झुंझला के कहा, मुझे कोई मतलब नहीं है, दो शहजादों की जंग है, जंग से लुकमे का क्या ताल्लुक है, लुकमे का ताल्लुक है ये हो ना हो। इस लकदक सहरा में इमाम का आदमी, और इमाम का आदमी क्यों आया है मैं जानता हूं, मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। क्या कहा तुमने,
दो शहजादों की जंग, कहां एक अमीर माविया का बेटा, एक अली इब्ने अबी तालिब का लाल, मुझे क्या जरूरत है बीच में पढ़ने की। क्या कहा जोहेर तुमने, किसका मुकाबला किससे कर रहे हो? एक तरफ फर्जंद अर्जुमंद दिल बंद रिसालत और एक तरफ नजिस नस्लों का खमियाजा, दोनों में तुम फर्क महसूस नहीं करते? एक हिंदा का लाल, एक तरफ खतीजतुल कुबरा का लगता जिगर, तमीज खो दी तुमने जोहेर खैर, किसका मुकाबला किससे कर रहे हो? एक तरफ खातून जन्नत का बेटा, शहजादी कायनात का लगता जिगर, एक तरफ नजीफ आवारा औरतों की औलादे। जोहेर ने लुकमा फेंक दिया, बड़ी तेजी से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ा, फिर बहुत देर हो गई, बहुत देर, शब बीतने लगी। थोड़ी देर के बाद जोहेर कहन की बीवी ने महसूस किया कि कोई दबे पांव आ रहा है, दरवाजे के बाहर रुक गया। साहब, हम तुम्हें तलाक देने के लिए आए। जोहेर, अंदर आओ, अंदर आओ। नहीं, हम जा रहे हैं, तुम्हें तलाक का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसी असला में जोहेर कैन का एक दोस्त, बेतकल्लुफ दोस्त आके मिला। जोहेर, क्या हो गया तुमको? कहा, हम बीवी को तलाक देने के लिए आए हैं। कहा, क्यों? जोहेर की बीवी कहती है, मैं बताती हूं कि मुझे तलाक देने के लिए तुम क्यों आए। तुम चले हुसैन के साथ जान देने के लिए, तुम्हें यकीन था कि मारे जाओगे, मरना तुम्हें गवारा है, मगर तुमको यह गवारा नहीं कि तुम्हारे मरने के बाद यजीद के सिपाही मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरे बाजुओं में रसन बांधे, कशा कशा कूफे और शाम के बाजारों से जोहेर कैन जैसे सरदार की बीवी कैदियों की तरह लाई जाए, ये जोहेर को गवारा नहीं। जोहेर, जिस जगह ज़ैनब कुलसूम के बाजू बंधेंगे, कनीज के बाजू बन जाए तो इफ्तखार, इससे बढ़ के क्या होगा? जोहेर का दोस्त पूछता है, जोहेर, तुम तो उस्मानी हो, हमेशा तुमने उस्मान का साथ दिया है, तुम अली के तरफदार कभी न थे, आज क्या हो गया तुमको? जोहेर अपने दोस्त से वाकई बयान कर रहा है, बस चलने में मुझे इमाम ने बुलाया, मैं चला गया। एक सुर्ख खेमे के सामने फर्जंदे रसूल खड़े हुए थे, सुर्ख सूरज उफक के अंदर डूब रहा था, फिजाओं में मलगजा पना चुका था। मैं सर झुका के खड़ा हो गया, मैं देखना भी नहीं चाहता था इमाम को, मैं बात भी करना नहीं चाहता था, मैंने कभी बात भी नहीं की। इमाम ने कहा, जोहेर नजर उठाओ। मैंने तो नहीं उठाई, न जाने कैसे मेरी नजर उठी। मैंने जिंदगी में पहली मरतबा इमाम के चेहरे को देखा, नबूवत का चेहरा, इमामों जैसी शक्ल, कितने प्यारे लोग होते हैं ये। मैं देखता रहा चेहरे को। जोहेर, जहां तुम खड़े हो वो जगह तुम्हें याद है? जहां हम खड़े हैं क्या इस जगह को भी तुमने याद रखा? जहां हमारा खेमा है वहां पहले खेमा नजर था, तुम्हें कुछ याद आया जोहेर? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आया। का याद करो ये डूबता हुआ सूरज, ये जगह जहां तुम खड़े हो, जहां आज मैं हूं वहां कोई और खड़ा था, जहां मेरा खेमा है वहां एक और खेमा था, किसी ने तुमसे मुलाकात की थी, बातें की थी, याद आया? मुझे याद नहीं आया। जोहेर, फिर याद करो, जहां मैं हूं वहां कोई खड़ा था, जहां मेरा खेमा है किसी और का खेमा था, तुम जहां हो वहीं थे। फर्जंदे रसूल कुछ
याद आ रहा है, हाँ, शेख मुफीद की रिवायत वाली शायद मुझे कुछ याद आ रहा है। क्या जहां आप हैं वहां कल सलमान फारसी खड़े थे, ऐसा ही खेमा था उनका। हाँ हाँ, सूरज डूब रहा था, मैं यहाँ था, मेरे सामने ईरान की दौलत के ढेर लगे हुए थे, मैंने जंग जीती थी। मैं अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझ रहा था। सलमान ने आवाज़ दी, जुहैर नज़र उठाओ। मैंने नज़र उठाई, बड़ा फख्र कर रहे हो इस जंग पे। हाँ सलमान, इससे बड़ी जंग अभी तक कोई लड़ी नहीं गई, मैं इसका फातह हूं। का नहीं जोहेर, एक और जंग होगी, बहुत बड़ी जंग, उससे बढ़ के दुनिया में कोई जंग नहीं है। जोहेर, ये खजाना उसके सामने कुछ नहीं, ये खजाना उसके सामने कुछ नहीं। हर लूटा हुआ माल खत्म हो जाएगा, मगर उस जंग का माल कभी खत्म नहीं होगा। मैंने पूछा, सलमान तुम क्या कहना चाहते हो? कहा, अर्ज़ करबला पे एक जंग हो, जहां नबी के लाल को अश्किया घेर लेंगे, बनी उमैया का तागूती लश्कर फातिमा के बेटे को ज़बह करने के लिए इकट्ठा हो जाएगा। जुहैर, किस्मत मत फोड़ लेना, हुसैन का साथ देना। जहां आज मैं हूं, कल हुसैन तुम्हें बुलाएंगे। जुहैर, भूल मत जा। मौला मुझे याद आ गया, मौला मुझे याद आ गया, मगर जुहैर तुम्हें हमें साथ देना होगा। मौला मैं साथ दूंगा। अब इमाम कहते हैं, मगर जुहैर तुम्हारे मुकद्दर में शहादत होगी, शहादत को कबूल कर लोगे। मौला जब रहनुमा हक हो तो मौत बुरी नहीं है, मैं शहादत कबूल कर लूंगा। आपने अंदाजा लगाया, दुनिया का हर जनरल अपने सिपाही से मौत को छुपाता है, हुसैन वो है जो मौत की तरफ बुलाते हैं, ये बताने के लिए जिस जिंदगी पे तुम कायम हो वो मौत है, जिस मौत की तरफ मैं बुला रहा हूं वो जिंदगी है। यह है करबला की बख्शी हुई जिंदगी, जिसकी ना कभी शाम है ना इख्तिताम है। खुदा हमें मफहूम करबला के करीब कर दे। इलाही हमें तौफीक दे के हुसैन के मौक़िफ़ की ताईद में हम अपने आप को और अपने बच्चों को पालें। पालने वाले हमें हक दे दे, चाहे दुनिया की सारी दौलतें हमसे ले लें। करीम, आखरत में हम आले रसूल को मुंह दिखाने काबिल रह सकें। ये जिंदगी गुनाहों से महफूज रखना, दी जिंदगी मोहब्बत आले रसूल में गुजरे, मौत आए तो इश्क आले रसूल में आए। पालने वाले जो जिंदा हैं उन्हें मासियत से महफूज रख, जो पेवंद खाक हैं उनकी मकफरत फरमा। करीम, अब कोई नहीं है उनका जो पेवंद खाक है सिवाय तेरी रहमत के, तेरी मकफरत के। करम करना मेरे माबूद उन तमाम बुजुर्गों पर जो पिछले साल यहाँ थे, आज वो यहाँ नहीं है। उन तमाम मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा भी।